अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में किसी में भी कोई भी फोल्डर या फिर फाइल किस तरह हाइड कर सकते हैं। हाइड करने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है कि अगर आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर कोई और यूज़ करता है तो आप उससे अपनी फाइल जो है वो किस तरह बचा सकते हैं, वरना आपको डिलीट करनी पड़ेगी, लेकिन आप हाइड कर सकते हैं ताकि जब दोबारा आपके पास आपका लैपटॉप या पीसी आता है तो आप अनहाइड कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आप ही देख पाएंगे, जो आपका पीसी यूज़ करेगा वो नहीं देख पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम जिस पीसी में गए, हमारे पास पिक्चर्स में एक फोल्डर है कैमरा रोल के नाम से, ठीक है, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ हाइड का ऑप्शन है, इस पर हम टिक कर देंगे। अप्लाई करके अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, यानी कि इसके अंदर अगर कोई और फोल्डर या फाइल्स हैं वो भी हाइड हो जाएंगे। ओके करके इसमें ओके कर देंगे, ये यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम दोबारा जिस पीसी में जाते हैं और पिक्चर्स में जाते हैं तो ये हमें यहाँ पर फोल्डर नज़र नहीं आ रहा। अब अगर हमें इसको दोबारा अनहाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहीं पे पिक्चर्स की फोल्डर में रहेंगे हम, और हम फाइल्स पे क्लिक करके चेंज फोल्डर इन सर्च ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे हम, फिर व्यू पे क्लिक करेंगे। ये शो हिडन फाइल्स डोंट शो है, यानी कि नहीं शो कर रहा, वो शो हिडन फाइल्स कर देंगे और फिर हम ओके कर देंगे। ये फोल्डर हमारे पास दोबारा आ जाएगा, इसमें सारे पिक्चर शो हो भी जाएंगे। थैंक यू।